तो अजबैस की टॉप 5 बेस्ट हॉलीवुड मूवीज जो मैंने देखी है, और हाँ ये सभी मेरे पर्सनल लिस्ट है। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अगर एंडिंग सही कर दी जाए तो मार्वल की नंबर 1 मूवी हो सकती थी इस साल की। नंबर 4, अवतार द वे ऑफ वाटर। अगर सिनेमा एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये मूवी अपने आप में बहुत ही बेस्ट है, बट थोड़ा स्टोरी में मात खा जाती है। नंबर 3, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल मूवी, एंड जिस तरीके से इन्होंने सर चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट दिया है वो काफी काबिल तारीफ है। नंबर 2, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी ने जिस तरीके से कम बजट में मल्टीवर्स लेवल की मूवी दिखाई है वो काफी दमदार है। नंबर 1 जाने से पहले तुम लोग अपना बेस्ट मूवी कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 1, द बैटमैन, बेस्ट सुपर हीरो मूवी ऑफ 2022, और इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग सुपर हीरो के फैन है तो आपको ये 5 वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, और अगर देख लिए तो कमेंट करके जरूर बताना। 5वें नंबर पे अम्ब्रेला एकेडमी, जिसमें 7 भाई बहनों की कहानी दिखाई जाती है जिनके पास सुपर पावर होती है। अगर आपको टाइम ट्रेवल जैसी सीरीज देखने में मजा आता है तो ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। 4थे नंबर पे है दी सैंडमैन, जिसमें ड्रीम के नाम का कैरेक्टर होता है जो सपनों की दुनिया का राजा होता है, पर वो किसी तरह इंसानी दुनिया में कैद हो जाता है जिससे उसके सपनों की दुनिया खत्म होने लगती है। तो वो अपनी दुनिया को कैसे बचाता है वो आप देख सकते हैं। 3रे नंबर पे है पीसमेकर। अगर आपने द सुसाइड स्क्वाड देखा होगा तो उसमें जो पीसमेकर होता है ये सीरीज उसकी कहानी को आगे बढ़ाता है। ये काफी अच्छी सीरीज जो मार्वल के टॉप शोज को टक्कर दे सकती है। 2रे नंबर पे है मून नाइट। ये मार्वल का बेस्ट शो में से एक है। इसमें मार्क नाम का कैरेक्टर होता है जिसके पास मून गॉड खोंचो का पावर होता है। पहले नंबर पे है दी पॉइज। इसमें दिखाता है कि कुछ सुपर हीरो अपने पावर का गलत यूज करने लगते हैं जिसे रोकने के लिए कुछ लड़के टीम बनाते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ 2022 की बेस्ट वेब सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आपने मिस कर दी है तो। 10वें नंबर पे है द सैंडमैन, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। नंबर 9 पे है मिस मार्वल, जो कि एमसीयू का पार्ट है, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। 8वें नंबर पे है द रिंग्स ऑफ पावर, जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्रीक्वल है, जिसे आप प्राइम वीडियो पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। 7वें नंबर पे है हॉर्स ऑफ द ड्रैगन, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो, और इसके हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। 30 नंबर पे है पीसमेकर, जिसे आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। ये DCU का पार्ट है लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। 5वें नंबर पे है वेनस्टे, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। 4वें नंबर पे है मून नाइट, जो कि MCU का पार्ट है, जिसे लोग बहुत ही पसंद किए थे। इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। नंबर 3 पे है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। ये भी बहुत अच्छी वेब सीरीज है। नंबर 2 पे है द बॉयज का सीजन 3, जो कि प्राइम वीडियो पे है, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। ये भी काफी ओपी वेब सीरीज है। पहले नंबर पे है ऑल ऑफ अस एट, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो।